स्कीम है ये, नाम में सारा सार छुपा हुआ है। फौज नहीं है ये, हमारे देश के नौजवानों की लालसा मनसा और एक रूपता दिन रात फौजी बनने की होती है, अग्निवीर बनने की नहीं। और यही विरोध है पूरे देश में कि आप फौज की भर्ती चालू करो, आप कई साल से फौज की भर्ती रोकियो, लोग फौजी बनना चाहते हैं। जैसे वीआरएस स्कीम है, मनरेगा स्कीम है, मिड डे मील स्कीम है, इसी तरह अग्निपथ स्कीम आपने खुद लिखा है तो नाम में सार छुपा हुआ है। न उसको रिटायर 21,000 रुपए पहले साल से मिलेंगे, ये तो जो कर रहा है उनसे पूछिए। पूरे देश की और अब कांग्रेस पार्टी की विरोध इस बात का है कि फौज की भर्ती करो, आप फौजी बनाओ, अग्निवीर मत बनाओ, अग्निवीर बनने में नहीं लोग इंटरेस्टेड हैं। सेना शब्द से लगाव है, हम लोग के आपके सबके हिंदुस्तानी को रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सब लोग नौकरी करते हैं, लेकिन जब सैनिक गुजरता है ना तो अपने आप सबके हाथ सलूट करने उतारू हो जाते हैं। इस देश का जज्बा है सेना के प्रति, जो नौकरी तो बहुत लोग करते हैं लेकिन वो सम्मान वो इज्जत पूरी जिंदगी जब वो रिटायर होकर भी आता है तो उसको लोग कहते हैं फौजी। बिल्कुल, ये तो बता क्या सही है, वो जो बोलता है गांव के लोग कहते हैं, गांव के लोग बोलते हैं क्या, फौजी जो बोल रहा है सही बोल रहा है, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं क्या आप ये कह रहे हैं? लेकिन अग्निवीर में वो भाव नहीं है, लेकिन चित्रा जी अग्निवीर में वो भाव नहीं है, ठीक है, इसीलिए लोग आपके सहयोगी आरजेडी भ्रम फैलाने की कोशिश की है अखिलेश जी जाति के नाम पर। किसने क्या कोशिश की है, मैंने आपसे कहा ये सब लोग दिख रहा है कौन क्या कर रहा है। हमारा सिर्फ कंसर्न ये है कि सेना की भर्ती चालू करो आप, ठीक है। नौजवान सेना के लिए तैयारी करता है, सुबह से रात तक दौड़ता है, ठीक है। इसी गांव में चले जाइए, एक तहसील में मेरे विधानसभा में, यानी कि आपकी बातों से लगा कि कम से कम जाति को लेकर जो व्यवस्था रही है कांग्रेस पार्टी उसका सम्मान करती है, लेकिन स्कीम को लेकर आप लोगों की आपत्ति है। माधव आनंद जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन अखिलेश जी के सवालों पर शहजाद जवाब देना चाहते हैं। ये तो बात अच्छी, स्कीम से दिक्कत है उनको नहीं। मुझे बहुत खुशी है कि आज कांग्रेस सेना के सम्मान की बात कर रही है, वही कांग्रेस जिसने एक बार कहा था सड़क का गुंडा है जनरल रावत जी को, उसको आज भी निकाला नहीं है पार्टी से। ये पार्टी वो है जिसने ओआरओपी को 42 वर्ष, नेशनल को 50 वर्ष, सीडीएस को 10 वर्ष रोक कर लगा, बुलेट प्रूफ जैकेट 9 साल नहीं खरीदे, रफाल को भी रोकने की कोशिश की। तो ये लोग जब आज आर्म फोर्सेस की बात करते हैं अच्छा लगता है, परंतु मैं इनसे इतना ही कहूंगा कि कारगिल रिव्यू कमेटी को जाकर पढ़ लीजिए, वही चीजों को लागू किया गया है, जो आप नहीं कर पाए वही किया गया है। और आपके मनीष तिवारी साहब है, उन्होंने तो लेख भी लिखा है, माई टीम डिफेंस रिक्रूटमेंट रिफॉर्म इज इन लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, अग्निपथ इज पार्ट ऑफ दैट लार्जर प्रोसेस, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। जरा उनको भी पढ़ना ही चाहिए ये आर्टिकल, और सबको पढ़ना चाहिए। आज 7.5 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दिए इंडियन एयरफोर्स ने जब रिक्रूटमेंट अग्निवीर की, वो क्या 7.5 लाख जो युवा है क्या आप उनको एक तरीके से अपमानित नहीं कर रहे हैं, क्या वो देश की सेवा के लिए धन्य होंगे? और आखिरी बात माननीय सांसद जी बैठे हैं, माननीय सांसद जी ने तीनों सेना बल के प्रमुखों का नाम नहीं बता पाए, उन्होंने कई सारी बातें रखी, मैं उनसे विशेष आग्रह करता हूं माननीय सांसद जी से, क्योंकि वैक्सीनेशन पर तो बहुत ही गलत हो गए थे, 14 वर्ष गलत हो गए थे। माननीय सांसद जी क्या पहली बार क्या जाति पूछी जा रही है जैसे संजय सिंह ने बताया, या आप मानते हैं कि संजय सिंह आपके दूसरे माननीय सांसद गलत है?